गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टडी की थी लेसन नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने तरह तरह के बल, बल के प्रकार, गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, इन सब तरह की चीजों का अध्ययन किया था। साथ में हमने चाल, गति, ये सब चीजों का अध्ययन किया था। अगर आपने वीडियो देखी है, दैट्स वेरी गुड थिंग। नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, वो आपके काम की वीडियो है। और ये जो आज लेसन स्टार्ट होने जा रहा है, ये बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट लेसन है। इसके बाद आपकी साइंस की बुक फिनिश हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं, उनकी फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, तो उनके बेस पर हम उनको एक नाम दे देते हैं जिसको हम बोलते हैं पदार्थ, यानी इंग्लिश में मैटर। तो एक क्वेश्चन यहां पुटअप होता है कि व्हाट डू मीन बाई मैटर, पदार्थ है क्या। तो बहुत सीधी सी बात है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि अपना द्रव्यमान रखती हो, जिसके पास अपना एक मास हो, साथ में उसके पास स्थान घेरने के लिए प्रॉपर्टी हो, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान होता है साथ ही जो स्थान घेरता है, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। तो मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपको स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने नए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर ऐसा है, दैट्स वेरी गुड थिंग। अगर नहीं किया है, दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर हम पदार्थ की बात करें, तो पदार्थ यानी मैटर, मैटर इज दोस सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। हिंदी में अगर हम बात करें तो ऐसी वस्तु जो कुछ द्रव्यमान, द्रव्यमान मीन मास, तथा आयतन यानी वॉल्यूम रखता है, पदार्थ कहलाता है। ईच एंड एवरी दैट सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज नोन एज मैटर। और मैटर यानी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाओं को आपने बहुत छोटे से क्लासेस से पढ़ना शुरू किया होगा, ठोस, द्रव, गैस, जिसको आप सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं, जैसे स्थान घेरने की बात आई, तो आपने कार देखा होगा, ये कार को अगर हम कहीं खड़ा करेंगे तो वो कार कुछ ना कुछ स्थान घेर लेगा, साथ ही अगर उस कार को हम वेट करें, मेजर करें, तो उस कार का कुछ ना कुछ वजन आएगा बन करके, जो भी वो उस कार का वजन 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो, जो भी हो। एक साइकिल की बात कर लीजिए, साइकिल, उसका भी कुछ ना कुछ मास यानी वजन होगा, साथ ही उस साइकिल कहीं खड़ी करेंगे उतना स्थान वो ऑक्यूपाई करेगा। कुर्सी है, कहीं भी आप रखेंगे तो कुर्सी अपने बराबर का स्पेस ग्रहण कर लेगी, साथ ही उस कुर्सी का भी कुछ ना कुछ वजन होगा। कागज की बात कर ले, कागज जो कि बहुत हल्का होता है, मगर इसका भी कुछ ना कुछ मास यानी वजन होता है, साथ ही यह भी स्थान घेरता है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं है मगर वो पदार्थ हैं, जैसे वायु। वायु हमें दिखती नहीं है मगर वायु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान यानी मास होता है, और प्लस वायु स्थान घेरती है। ये तो आपने गैस सिलेंडर में भी देख रखा है, या बैलून में आप हवा भरते हो उसमें भी आपने इसको रियलाइज किया है। साथ ही इन ठोस, द्रव और गैस के अलावा भी प्लाज्मा, अतिशीतित द्रव, ये भी पदार्थ की कुछ अवस्थाएं होती हैं, जो कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, इनकी हम बात यहां पर नहीं करते हैं। यहां पर हम ठोस, द्रव, गैस की ही बात करेंगे इस लेसन में। तो अगर हम पदार्थ की विशेषताएं या उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो पदार्थ के कण सूक्ष्म होते हैं। हमें आपको मालूम है कि ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स। इस दुनिया की समस्त चीजें परमाणु से मिलकर बनी हुई है, और परमाणु क्या है, पदार्थ का अति सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो उस परमाणु, यहां पर हम परमाणु को डिफाइन नहीं करना चाह रहे हैं, मैं अपने परिभाषा को बता दी केवल। तो परमाणु से चूंकि दुनिया की हर चीज बनी हुई है, और परमाणु कैसा होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो पदार्थ कण सूक्ष्म होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आपने क्लास 6 में या 5th में भी पढ़ा होगा कि जो परमाणु होते हैं, या आप कण बोल लो, जो कण होते हैं, जब ये आपस में बहुत पास पास होते हैं तो पदार्थ का आयतन और आकार निश्चित हो जाता है और वो ठोस कहलाता है। जब यही कणों के बीच में थोड़ी सी गैपिंग होती है तो पदार्थ द्रव रूप में आ जाता है, और उसका आयतन निश्चित होता है मगर आकार अनिश्चित होता है। जब इन्हीं कणों के बीच बहुत ज्यादा स्थान होता है, यानी इनके बीच में कोई भी आकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, तो ऐसे पदार्थ गैस कहलाते हैं, और गैस के अणुओं का ना तो आयतन निश्चित होता है ना तो आकार ही निश्चित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पदार्थ कण निरंतर घूमते रहते हैं। तो हमें अभी बताया था आपको
कि पदार्थ बने किससे होते हैं, परमाणु से, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो जब कोई भी चीज रोटेशन करेगा, चक्कर लगाएगा, तो उसके पास अपनी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम आवृत्ति बोलते हैं, और उसी आवृत्ति के कारण वो पदार्थ निरंतर घूमते रहते हैं, जो पदार्थ के सूक्ष्म कण जिसको आप परमाणु कह सकते हो, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन ये काम करता है। नेक्स्ट, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपने पीछे के वीडियोस में देखा था कि न्यूटन ने एक रूल दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के सतह पर रखी हुई कोई भी दो वस्तुओं, अगर उनके पास द्रव्यमान है तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो वही बात ये बता रहे हैं कि पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षित भी करते हैं। अगर दोनों सेम प्रॉपर्टी के हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत गुणों के हैं, विपरीत आवेश के हैं, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब हम स्टडी करते हैं कि पदार्थ की अन्य प्रॉपर्टीज क्या है। कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी पदार्थ को स्पेसिफिक यानी विशेषता प्रदान करती हैं। तो पदार्थों के जो सबसे विशेष गुण हैं, वो पहला गुण है कि पदार्थ का एक आकार होता है। आपने देखा है कि ठोस, चाहे वो मेज हो, कुर्सी हो, कार हो, बस हो, ट्रेन हो, इन सब का एक निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। इवन अगर आपने छोटा सा पेन भी इस्तेमाल किया होगा तो उस पेन का भी एक निश्चित आयतन और एक निश्चित आकार होता है। साथ ही ये किसी भी तरह से, अगर हम हवा की बात कर लें, हवा को हम किसी भी पात्र में भर दें तो हवा उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेगा, जबकि आयतन उसका निश्चित नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि गैस जो होते हैं, गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है, और द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। जैसे अगर हम 500 ml आधा लीटर पानी लें और उसको यू शेप के ट्यूब में डाल दें तो उस पानी से यू शेप का आकार बन जाएगा। अगर उसको हम स्पाइरल ट्यूब में डाल दें तो स्पाइरल आकार पानी ग्रहण कर लेगा। अगर उसको हम किसी भी शेप में ट्यूब में डाल दें तो जिस आकार का ट्यूब होगा उसी आकार का वो पानी आकार ग्रहण कर लेगा। मगर पानी रहे कितना, आधा लीटर था, आधा लीटर ही रहेगा। ऐसे ही किसी भी ठोस पदार्थ की बात करें, अगर उसको हम कहीं पर रख दें, जैसे हमने आधा किलो अनाज कहीं पर रखा, तो आधा किलो अनाज जहां भी रखेंगे वो वहां पर स्थान घेर लेगा। तो एक तो पदार्थ का ये गुण हो गया, दूसरा उसका अपना द्रव्यमान होगा, तीसरा अनाज के दानों का जो भी आकार था आकार वही रहेगा, और अनाज की मात्रा भी जितनी आपने रखी थी उतनी ही रहेगी। लेकिन गैस की अगर हम बात करें तो गैस को हम संपीड़ित कर सकते हैं, यानी कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो उसको हम दबा सकते हैं। तो इतनी गैस को, यानी आयतन कितना है, इतना, लेकिन अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो गैस घट के इतना हो जाएगी, यानी उसका आयतन घट जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि केवल गैस एक ऐसा पदार्थ है जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। नेक्स्ट, पदार्थ स्थान घेरता है, ये दूसरी सबसे मेन प्रॉपर्टी है। आपने देखा होगा कि कोई भी पदार्थ, जैसे आप मेज ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, कहीं भी अगर आप किसी मेज पर रखते होंगे तो उस मेज पर कुछ ना कुछ स्थान ये घेर लेता होगा। अगर हम गैस को भी किसी गुब्बारे के अंदर भर दें तो गुब्बारा भी फूल जाता है, यानी गैस भी स्थान घेरता है। तो गैस क्या है, एक पदार्थ है। पानी को हम किसी बर्तन में भर दें तो पानी उस बर्तन में स्थान को घेर लेगा, या है पानी, ये भी एक पदार्थ है। नेक्स्ट, पदार्थ में भार होता है। आपने शुरुआत में ही पढ़ा है कि जो आयतन घेरे और जिसके पास अपना वजन यानी भार हो उसी को हम पदार्थ कहते हैं। तो चाहे छोटे से छोटी चीज हो, जैसे हम वायु की बात कर लें, वायु हमें दिखती भी नहीं है, लेकिन वायु को अगर किसी स्थान पर हम भर दें तो वायु का अपना कुछ ना कुछ भार यानी द्रव्यमान होगा, और साथ ही वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी। सरसों के दाने की बात कर लीजिए, जो कि सबसे छोटा आप मानते हो, जिसको हम हाथों से पकड़ सकते हैं, तो उस पदार्थ भी कुछ ना कुछ, चाहे माइक्रोन में चाहे मिलीग्राम में, वो स्थान घेरता है, साथ ही उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, चाहे वो मिलीग्राम हो चाहे वो माइक्रोग्राम हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि पदार्थ में भार होता है। नेक्स्ट है विलेयता या घुलनशीलता। विलेयता का मतलब होता है घुल जाना। जैसे हम पानी में शक्कर डालें और वो हिला दें तो शक्कर पानी में गायब हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शक्कर पानी में विलीन हो गया। मैंने विलयन नाम के टॉपिक में इसको आपको एक्सप्लेन किया था क्लास 12th वाले में, उसको आप देख लीजिएगा। तो जो भी पदार्थ होते हैं, पीछे भी आपने पढ़ा था कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्पेस होता है। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल आप समझिए,
जैसे रोड पर कभी आपने खड़ंजा लगता हुआ देखा हो, जैसे ईंटों को आपस में रख दिया जाए बगल में सटा सटा करके, तो दो ईंटों के बीच में कुछ ना कुछ गैपिंग रहेगी, जैसे हम लोगों की उंगलियों के बीच में गैपिंग होती है। तो मान लीजिए कि ये पदार्थ के कण है, तो अगर हम ये जो बीच में गैपिंग है इस गैपिंग के आकार का कोई भी पदार्थ डाल दें, तो वो इस गैपिंग में यानी दो पदार्थों के बीच में, दो कणों के बीच में जो स्पेस है उसमें जाकर बैठ जाएगा। इसी को बोलते हैं विलेयता, यानी विलीन हो जाना। ऐसे ही पानी के अणुओं के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, तो जो हम शक्कर या नमक उसमें डालते हैं वो घुलने के बाद, क्योंकि शक्कर और नमक के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, तो पानी के उन अणुओं के बीच में जाकर वो सेट हो जाते हैं और हम बोलते हैं कि शक्कर या नमक पानी में घुल गया। और इसीलिए विलेयता होने के बावजूद उस पदार्थ का आयतन नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि पानी के अणुओं के बीच में जाकर शक्कर बैठा है, ना कि शक्कर ने अलग से कुछ स्पेस लिया है, इसलिए आयतन जितना था उतना ही रहेगा। अगर आपने एक गिलास पानी ले रखा है और उसमें आपने एक चम्मच शक्कर, दो चम्मच शक्कर, तीन चक्कर शक्कर डाल दिया है, तो पानी बाहर नहीं निकल जाएगा, पानी गिलास में उतना ही रहेगा, क्योंकि शक्कर जाकर के पानी के अणुओं के बीच में बैठ जाएगा। हाँ, पानी गाढ़ा होता चला जाएगा। तो ये सबसे खास है। नेक्स्ट, विसरण। विसरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है विसरण से या परासरण से आप क्या समझते हो। तो परासरण एक अलग प्रॉपर्टी है, कहीं आएगी मैं बताऊंगा आपको। यहाँ डिफ्यूजन को समझते हैं। चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, इन अणुओं में एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि ये उपलब्ध स्थान में एक समान रूप से फैल जाते हैं। जैसे अगर हम कोई परफ्यूम ले लें, अगरबत्ती ले लें और किसी कमरे के कोने में ले जाकर जला दें, तो उसकी गंध यानी उसकी जो वायु है वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। इसी क्रिया को हम विसरण कहते हैं। तो अगर परिभाषा की बात की जाए तो किसी भी द्रव या गैस द्वारा उपलब्ध आयतन में समान रूप से वितरित हो जाना, इसी को विसरण कहते हैं। मीन द इक्वल एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गैस आर लिक्विड इन ऑक्युपाई स्पेस इज नोन एज डिफ्यूजन। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको कम्प्लीटली समझ में आया है कि पदार्थ की बेसिक डेफिनेशन क्या है, पदार्थ के गुण कौन कौन से हैं, पदार्थ की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि हम किस आधार पर बोल देते हैं कि ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, यानी कौन सा पदार्थ यानी सब्सटेंस सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है। तो प्रश्न ये बनता है कि हम किसे ठोस कहते हैं या सॉलिड्स क्या होते हैं। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो वे पदार्थ जिनका आयतन व आकार निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं, यानी दो सब्सटेंस हुज वैल्यू एंड शेप इज डेफिनेट आर नोन एज सॉलिड्स। तो जैसे मेज है, कुर्सी है, पेन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, या ऐसा कोई भी चीज है जिसका आयतन और आकार दोनों को हम जबरदस्ती ही चेंज कर सकते हैं, अपने आप वो चेंज नहीं होते, उन्हीं को हम ठोस कहते हैं, जिसे जिनका आकार फिक्स हो। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ठोसों का आयतन और आकार यानी वैल्यूम और शेप फिक्स क्यों होती है। तो ये राज छिपा हुआ है इनकी प्रॉपर्टीज में। तो अब हम स्टडी करते हैं कि ठोसों के गुण क्या है यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो अगर हम ठोस के प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो इसकी सबसे खास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, आकृति व आयतन निश्चित होता है। तो इस लाइन को आप कई बार सुन चुके हो कि शेप और साइज यानी आकृति और आयतन निश्चित होता है, बट प्रश्न बनता है क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपने पीछे वीडियो पढ़ा था कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। तो ठोस में ये जो कण होते हैं जिनको आप एटम यानी परमाणु भी कह सकते हो, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपक कर लगे होते हैं, जिसको आप बोल सकते हो प्रबल आकर्षण बल से यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, जिससे इनको और दबाया नहीं जा सकता, ताकत लगा करके, बल लगा करके। इसीलिए इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। सेम ऐसे समझिए कि आपने एक ईंट ये रखी, एक ईंट ये रखी, बीच में गैपिंग है ना, तो अगर आप इन ईंट को इधर से दबाओगे तो ये इतना सॉलिड जो है आगे पास में आ जाएगी। तो आयतन इतना था, अब इतना हो गया, घटा कि नहीं घटा, क्यों घटा, क्योंकि अणुओं के बीच में दूरियां थी। लेकिन ठोसों के साथ क्या है, कणों के बीच में कोई गैपिंग नहीं है, इसलिए अगर आप इधर से बल लगाओगे तो जितने थे उतना ही वो रहेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पर इनके आयतन में चेंजिंग आ सकती है।
तो कोई अगर आपसे पूछे कि ठोस का आयतन और आकार निश्चित क्यों होता है, तो आपका जवाब होगा कि क्योंकि सर उनके अणु बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच में बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी प्रबल आकर्षण बल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ठोस का घनत्व उच्च होता है। तो घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट एरिया में एकांक क्षेत्रफल में कोई पदार्थ कितना है। तो जैसे मान लीजिए कि एक कमरा है, उस कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं, तो कमरे में क्या है, भीड़ है, यानी कमरे का घनत्व ज्यादा है। लेकिन उसी कमरे में अगर 20 लोग आके बैठ गए तो कमरे में डेंसिटी यानी घनत्व और ज्यादा हो गया। उसी कमरे में 30 लोग अगर आके बैठ गए तो कमरे में डेंसिटी और ज्यादा हो गई। तो डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में कितने कण रखे हुए हैं। तो आपको मालूम है कि ठोस के पदार्थ के जो कण हैं एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ठोसों का घनत्व तो ज्यादा होता है और इनको पीट करके और ज्यादा दबाया नहीं जा सकता। तो याद रखिएगा कि सॉलिड यानी ठोस की जो डेंसिटी यानी घनत्व होता है वो उच्च होता है। नेक्स्ट, गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। तो गलनांक का मतलब होता है कि किसी ठोस के अणुओं के जुड़ने की व्यवस्था को ब्रेक कर देना, जिससे कि वो ठोस से द्रव में बदल जाए। तो ऐसा करने में क्या होगा कि हमें फोर्स बहुत लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने पीछे ठीक पढ़ा है कि कणों जो होते हैं ठोस के बहुत ताकत से जुड़े होते हैं। तो जब ये बहुत ताकत से जुड़े हुए हैं तो इनको तोड़ने में हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा इसका मतलब क्या हुआ कि इनका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट हाई है, यानी कम ताप पर ये ना तो गलेंगे ना उबलेंगे। नेक्स्ट, कणों की जालक व्यवस्था होती है। जालक व्यवस्था का मतलब होता है कि लैटिस अरेंजमेंट, यानी कि कणों के लगने का एक फिक्स स्थान होता है। तो चूंकि अभी आपने पढ़ा है स्टार्टिंग में ही कि ठोस के कणों का आयतन एवं आकार निश्चित होता है, तो आयतन व आकार निश्चित क्यों होता है, क्योंकि इनके कण एक दूसरे के बहुत पास लगे होते हैं। तो जब कण बहुत पास लगे होंगे तो कणों के लगने की एक व्यवस्था बन जाएगी, इसी व्यवस्था को हम जालक यानी जाल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ठोस असंपीड होते हैं। तो पहले समझो संपीड क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है। कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीडता वो गुण है कि अगर हम किसी पदार्थ पर बाहर से बल लगाएं तो उसका आयतन या तो घट जाए या तो उसका आयतन बढ़ जाए। लेकिन चूंकि ठोस के अणु एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इनमें बाहर से दबाने पर भी इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी ठोस के अणु असंपीड होते हैं, इंग्लिश में नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, इनको और कंप्रेस यानी दबाया नहीं जा सकता। कोई पूछे क्यों, तो आपका जवाब होगा कि सर इनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। बहाव की प्रकृति नहीं होती है। तो जिन भी कणों के बीच में गैपिंग होती है, जैसे पानी द्रव, तो उनमें बहने गुण पाया जाता है। लेकिन चूंकि ठोस के कणों के बीच में जरा भी गैपिंग नहीं होती है, बहुत कम गैपिंग होती है, इसलिए इनमें बहने का गुण नहीं होता। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% सेमेस्टर एग्जाम में प्लस आपके टेट में सुपर टेट में बहुत पूछा जाता है। तो पहले समझते हैं सबलिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन होता क्या है, इसकी परिभाषा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी ऐसा ठोस पदार्थ, पहले समझते हैं, कोई भी ठोस अगर आप गर्म करोगे तो वो गर्म होने के बाद किसे बदल जाएगा, द्रव में यानी पानी में। बर्फ को गर्म करो पानी, और गर्म करो तो भाप में यानी गैस में बदल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे ठोस होते हैं जो सीधे गर्म करने पर गैस में बदल जाते हैं, यानी बीच की जो अवस्था है कि गर्म हो तो किसमें बदल जाए, द्रव में, द्रव से गैस में। तो द्रव वाली अवस्था गायब है, सीधे आपने गर्म किया तो ठोस सीधे गैस में बदल जाएगा। इसी गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी किसी भी ठोस का गर्म करने पर या गर्म होने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाना ही ऊर्ध्वपातन यानी सबलिमेशन कहलाता है। मीन द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्ट इनटू द गैस इज नोन एज सबलिमेशन। इसका एग्जांपल आपने देखा है कपूर में, कपूर जिसको आप कैम्फर बोलते हो, अगर कपूर को हम खोल कर रख दें तो कुछ वक्त के बाद कपूर गायब हो जाएगा। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड, ये भी गायब हो जाता है। नेफ्थलीन जिसको आप कुनैन की गोली बोलते हो, सफेद रंग की गोलियां होती हैं कपड़ों में आप रखते हो, वो भी कुछ समय के बाद धीरे धीरे छोटी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसी सब्लिमेशन प्रोसेस के कारण वो कपड़े के अलमारी में फैली रहती है उसकी गंध, और कीड़े उसके पास तक नहीं आते। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसरण, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन मैंने भी पीछे आपको समझाया था कि किसी भी पदार्थ का उपलब्ध स्थान में समान रूप से फैल जाना। तो जब हमको मालूम है कि ठोस के आयतन और आकार निश्चित होते हैं क्योंकि इनके कणों के बीच में कोई भी फालतू गैपिंग नहीं होती है और प्लस कण बहुत ही प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, तो सिंपल सी बात है कि वो जहां पर रख दिए जाएंगे, जितना रख दिए जाएंगे उतना ही रहेंगे, यानी कि ठोसों में प्रसरण यानी डिफ्यूजन क्रिया नहीं होती। अब हम स्टडी करते हैं कि जो द्रव की दूसरी अवस्था है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड यानी द्रव, उसके गुण और प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगर हम लिक्विड पर डिस्कशन करें कि द्रव यानी लिक्विड क्या होते हैं, तो द्रव पदार्थ की वो अवस्था है जिनका आयतन निश्चित होता है मगर आकार अनिश्चित होता है। मीन दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप इज नोन एज लिक्विड। एक कंफ्यूजन बच्चों को रहती है कि द्रव और द्रव्य क्या है। तो द्रव यानी दाम इनिशियल रा और वा, ये लिक्विड है, और द्रव्य जिसमें आधा वा और या होता है वो मैटर कहलाता है। मैटर माने पदार्थ का ही दूसरा नाम है द्रव्य, या निकलना चाहिए उसमें। क्लियर, ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। तो अगर देखते हैं कि लिक्विड है क्या, तो वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित यानी कि वॉल्यूम फिक्स होता है व आकार अनिश्चित होता है द्रव कहलाते हैं। जैसे कि जल है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, मोबिल है, ये सब के सब लिक्विड हैं और लिक्विड कंडीशन में पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है यानी द्रव के गुण क्या होते हैं। तो लिक्विड की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि इनका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है? इसका सीधा सा कारण है कि द्रव यानी लिक्विड के कणों के बीच में गैपिंग होती है, यानी बीच में खाली स्थान होता है, और इसी खाली स्थान के कारण अगर हम इनको दबा दें तो ये सिकुड़कर कम स्थान ग्रहण करेंगे, यानी कि इनका जो आकार है वो बदल जाएगा लेकिन आयतन निश्चित रहेगा। अगर आपने किसी बर्तन में 1 लीटर पानी लिया है तो पानी 1 लीटर ही रहेगा, मगर बर्तन का जिस तरह का शेप होगा, आकार होगा, पानी उसी आकार को ग्रहण कर लेगा। इसीलिए द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट है, घनत्व ठोस से कम होता है। तो अभी आपने पीछे पढ़ा था कि जो ठोस होते हैं इनके अणु एक दूसरे से बहुत ताकत से जुड़े होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो इनको दबा पाना मुश्किल होता है। लेकिन जो द्रव होते हैं इनके अणुओं के बीच में थोड़ी सी गैपिंग होती है, इसीलिए ठोस की तुलना में यानी इन कंपेयर ऑफ सॉलिड्स इनका जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो कम होती है। नेक्स्ट है, ठोस की तुलना में संपीड होते हैं। संपीड का मतलब कंप्रेसिबिलिटी। मैंने पीछे समझाया था कि अगर किसी भी पदार्थ को हम दबाव डालें, बल लगाएं, तो वो सिकुड़ जाए यानी उसका आयतन घट जाए, तो ये गुण ठोस में नहीं पाया जाता, ये नाम मात्र को पाया जाता है। मगर जो लिक्विड होते हैं इनके अणुओं के बीच में खाली स्पेस होता है, इसीलिए अगर इनको दबाया जाए तो ये ठोस की तुलना में दब जाएंगे, यानी कि द्रव में ठोस की तुलना में संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट, क्वथनांक ठोस से कम होता है। तो हमें मालूम है कि ठोस के अणुओं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त होता है, इनके अणुओं के बीच में खाली स्थान नहीं होता, इसलिए ठोस के अणुओं को अगर हम गलाने के लिए कोई भी काम करेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। लेकिन ठोस की तुलना में द्रव के अणुओं के बीच में खाली स्पेस होता है यानी खोखले होते हैं, तो इनको गलाना या इनको उबालना यानी क्वथनांक करना, ये ठोस की तुलना में कम होता है। तो अगर सरल भाषा में बोलें तो द्रव का क्वथनांक लो होता है। क्वथनांक क्या होता है अभी आके हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, बहने का गुण होता है। तो चूंकि लिक्विड यानी द्रव के अणुओं के बीच में खाली स्थान होता है, ये बहुत ज्यादा ताकत से बंधे नहीं होते हैं, इसलिए इनमें बहने गुण होता है। जैसे पानी बहता है, तेल बहता है, पेट्रोल बहता है, मिट्टी का तेल बहता है, तो ये बहने गुण द्रव में पाया जाता है। कोई पूछे क्यों, तो आपका जवाब है कि इनके अणुओं के बीच में बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, जमने का गुण होता है। तो ये जो द्रव होते हैं इनके अणुओं के बीच में चूंकि रिक्त स्थान होता है, कभी भी कोई आपसे पूछे कि ठोस के ऐसे गुण क्यों हैं, तो एक जवाब रट लीजिएगा कि उनके अणुओं के बीच में खाली स्थान नहीं होता, साथ ही अणुओं के बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है, इसलिए ठोस गुण ऐसा है।
कोई पूछे द्रव के ये गुण क्यों है, तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए कि द्रव के अणुओं के बीच में प्रबल आकर्षण बल नहीं होता, साथ ही उनके अणुओं के बीच में खाली स्थान होता है, इसीलिए द्रव का गुण ऐसा है। तो द्रव के जो अणुओं के बीच में खाली स्पेस होता है, इसीलिए अगर इनको हम ठंडा कर दें यानी लो टेम्परेचर पर ले जाएं तो ये जम जाते हैं मगर खोखले होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाष्पन होता है। आपने देखा है कि अगर कोई भी कपड़ा हम गीला करके कहीं ले जाकर टांग दें तो कुछ वक्त के बाद वो कपड़ा सूख जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो द्रव था, द्रव को जब ताप मिला तो वो वाष्प में परिवर्तित होकर के वहां से उड़ गया और कपड़ा सूख गया। तो द्रवों में वाष्पन का गुण यानी इवेपोरेशन का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है निश्चित क्वथनांक होता है। तो पहले हम समझते हैं क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो किसी भी द्रव का वो ताप जिस पर उसका दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन आप जानते हो कि वो ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। मगर ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही है कि वो निश्चित ताप जिस पर द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। हर द्रव का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। जैसे जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, पानी 100 डिग्री पर उबलने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है दाब बढ़ने पर क्वथनांक का बढ़ना। किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर या बाहर से जो हम प्रेशर देते हैं उस पर निर्भर करता है। अगर हम किसी द्रव में प्रेशर बढ़ा देंगे तो मानी सी बात है कि उसके अणु कहाँ आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। और जब अणु पास पास आ जाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा क्योंकि अणुओं को दूर करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। अगर हम दाब को घटा दें तो अणु कहाँ हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में उनको उबालना यानी क्वथनांक आसान हो जाएगा यानी उनका क्वथनांक घट जाएगा। और इसी सिद्धांत पे प्रेशर कुकर काम करता है कि प्रेशर कुकर में प्रेशर घट जाता है, ऐसी कंडीशन में बहुत जल्दी ही खाना उबल जाता है और खाना जल्दी तैयार हो जाता है। अब हम स्टडी करते हैं कि जो द्रव की यानी मैटर की तीसरी स्टेट है जिसको आप बोलते हो गैस, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और किन पदार्थों को हम गैस कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस यानी गैस होती क्या है। तो पदार्थ की वो अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है यानी वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर इनडेफिनिट, अनइनडेफिनिट इसको आप बोल दीजिए हिंदी में अनिश्चित होता है, उसी को हम गैस कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिनका आयतन व आकार अनिश्चित होता है गैस कहलाते हैं। जैसे वाष्प है जिसको आप वेपर बोलते हो, जल वाष्प है जिसको आप वाटर वेपर बोलते हो। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। अगर हम किसी भी गैस को किसी भी कमरे में भर दें तो वो इतनी सी गैस इस पूरे कमरे में फैल जाएगी, लेकिन उसी गैस को पूरे कमरे की गैस को हम दाब बढ़ा करके इतनी बड़ी डिब्बी में भर सकते हैं। ऐसा सेम आपके LPG गैस सिलेंडर में होता है। तो इससे क्लियर है कि गैसों का आयतन एवं आकार अनिश्चित होता है। अब अगर इनके प्रॉपर्टीज की बात करें तो नंबर वन आकृति व आयतन अनिश्चित होता है। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इनका आयतन एवं आकार अनिश्चित क्यों होता है। इसका सीधा सा जवाब है कि गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल लगभग शून्य होता है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग जीरो होता है। प्लस गैस के अणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और अनियमित रैंडम मोशन यानी अनियमित गति करते रहते हैं, इसलिए इनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये घनत्व सबसे कम होता है यानी ठोस से भी और द्रव से भी इनका घनत्व कम होता है। क्यों? क्योंकि इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता नहीं है, ये एक दूसरे से बहुत अधिक दूर दूर फैले होते हैं, इसलिए इनका घनत्व भी कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संपीड्यता बहुत अधिक होती है। जो चूंकि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं तो बल बढ़ा करके इनको पास लाकर इकट्ठा कर देना आसान है, यानी इनमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इनको दबाया जा सकता है बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल समझिए, आपके घरों में जो LPG सिलेंडर यूज किया जाता है वो वास्तविकता में है क्या? वो गैस है, लेकिन इतना प्रेशर बढ़ा दिया गया है कि वो कन्वर्ट किसमें हो गया, लिक्विड में। तो इसका फायदा ये हुआ कि ज्यादा मात्रा में गैस दाब बढ़ा करके बहुत लिक्विड में यानी द्रव में कन्वर्ट करके एक छोटे से बर्तन में आपने रख लिया इतने बड़े सिलेंडर में और महीने भर का खर्चा आपको चल रहा है। जैसे ही नॉब दबता है तो अंदर क्या है, सिलेंडर में द्रव है, लिक्विड है, और जैसे ही बाहर आती है गैस बदल जाती है। इससे क्या फायदा हुआ कि हमने कम स्थान में ज्यादा पदार्थ भर लिया। इसे उसका नाम है LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विड में बदला गया पेट्रोल का गैस।
नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है टेट सुपर टेट में कि संपीड्यता सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो गैस में। गर्म व ठंडा करने पर संकुचित व प्रसारित किया जा सकता है। संकुचित माने इकट्ठा कर देना, प्रसारित माने फैला देना। तो बहुत सिंपल सी बात है कि किसी भी अगर गैस को हम गर्म करेंगे तो वो और फैल जाएगा, ठंडा करेंगे तो पानी बदल जाएगा यानी लिक्विड बदल के गिर जाएगा। सेम ऐसी क्रिया कहाँ होती है, आसमान में, जिसको आप संघनन यानी कंडेंसेशन कहते हो। अभी आगे देखते हैं उसको। गैसों का संघनन संभव है। संघनन का मतलब होता है कि दूर दूर फैले हुए गैसों को टेम्परेचर डाउन कर दो, पास पास में आ जाएंगे और लिक्विड में बदल जाएंगे, क्योंकि जब पास पास आ जाएंगे तो द्रव के अणु पास पास होते हैं तो वो द्रव में बदल जाएंगे और पानी के रूप में जमीन में गिर जाएंगे। ऐसे ही बारिश होती है और इसी क्रिया को हम संघनन कहते हैं। अगर परिभाषा की बात की जाए तो गैस के अणुओं का पास पास आकर के द्रव में बदल जाना संघनन कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, गैस में दाब होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हम अपने एलपीजी सिलेंडर में गैस रखे हुए हैं तो सिलेंडर इतना मोटा क्यों लेते हैं, क्यों? क्योंकि गैस के अणु एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं तो वो बर्तन पर धक्का, मेरे हाथों पर ध्यान दीजिए, बर्तन पर धक्का लगाते हैं। तो अगर बर्तन कमजोर होगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, तो यानी गैस के अणुओं में दाब होता है। अगर कोई आपसे दाब की परिभाषा पूछे तो किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसे सूत्र भी होता है, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, जहां पर पी क्या है दाब यानी प्रेशर है, एफ क्या है बल यानी फोर्स है, ए क्या है एरिया यानी क्षेत्रफल है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ठोस, द्रव, गैस, इनके गुण, ये सब आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सोल्यूशन हमसे ले सकते हैं या पर्सनली हमसे कॉन्टेक्ट करके अपने सोल्यूशन को गेन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वही रिक्वेस्ट है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों को प्रेस्क्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे वीडियो पहुंचते रहें और मैं ऐसे ही आपकी सेवा करता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।